मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस कंट्रोल रूम में। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता ली, उसमें पीथमपुर में मनमानी कॉलोनी में एक बंद कमरे में महिला की लाश मिली थी। पीथमपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे थे, एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची थी। प्रथम दृष्टया जो है ये पूरा मामला जो है हत्या का प्रतीत हो रहा था। पुलिस के द्वारा इसमें तफ्तीश की गई तो पता लगा कि महिला की हत्या की गई है। मृतक महिला के पति ने उसकी एक साल की बच्ची को 2 लाख रुपये में बेच दिया था। फिर पति व उसके भाई भाभी तीनों ने मिलकर महिला की गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों के अलावा बच्ची बिकवाने वाले 5 आरोपी, बच्ची खरीदने वाले 2 आरोपी, इस तरह कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से सकुशल 1 साल की बच्ची को बरामद किया। मैं हूं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। इन्होंने बच्चा खरीदा, वो कौन है और उसकी वो जेठानी दीपिका कौन है? दीपिका कौन है? बड़ा फोटो खींच लेंगे ना, एक फोटो खींच देना। धार पुलिस ने सेक्टर 1 में एक प्रकरण हुआ था जिसमें 25 तारीख को एक महिला की लाश मिली थी और उस लाश को वो लाश अनआइडेंटिफाइड थी और उसमें हमारे एडिशनल एसपी सीएसपी पीतमपुर सेक्टर 1 टीआई चंद्रभान और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। शुरुआत में ये पूरा प्रकरण मर्डर का लग रहा था, परंतु जब इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस आया जिसमें जो महिला थी उसकी बच्ची को, 1 साल की बच्ची को उसके पति और उसके जेठ ने मिलके उसको ले गए थे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो बच्ची बेचने वाले 3 लोग छोटू, प्रसंदी और दीपिका निकल के आए। बच्चे को बिकवाने वाले आरोपीगण में राधा भाई, सागर, मीना, मानकुंवर और मिथुन आए और ख़रीदने वाले जो 2 पेरेंट्स हैं सिकंदर और पूनम, पुलिस ने डिंडोरी, पन्ना और दिल्ली ये 3 जगह दबिश दी और हमारी टीम्स ने काफ़ी अच्छा इफेक्टिव काम किया। सब इंस्पेक्टर हीना जोशी, टीआई चंद्रभान, सीएसपी तरुणेन, सभी ने मिलकर अच्छा काम किया और हमारी टीम्स ने सभी 10 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और बच्ची को जो है रिकवर कर लिया है। इस प्रकरण में पुलिस की पूछताछ जारी है और इससे संभवतः और भी अन्य प्रकरण का खुलासा हो सकता है।